हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज राष्ट्रीय युवा महासभा की आम बैठक संपन्न। श्री मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज राष्ट्रीय युवा महासभा की एक बैठक प्राचीन तीर्थ स्थल श्री परशुराम महादेव मंदिर परिसर में युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। चंपालाल मुदारा, सुभाष मेवाड़ा, भरत मेवाड़ा, रघुनाथ मेवाड़ा, हरिलाल धनराज मेवाड़ा के विशेष अतिथि में परशुराम महादेव और सहस्त्रार्जुन की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बैठक के दौरान भरत मेवाड़ा फालना ने कहा कि समाज में आपसी एकता और संगठन जरूरी है। राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष मेवाड़ा ने कहा कि आने वाले चुनाव से पहले राज्य की सरकार द्वारा मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज को आरक्षित वर्ग में जगह देती है। चुनाव के समय भाजपा या कांग्रेस पार्टी चुनाव से पूर्व मेवाड़ा समाज बंधुओं को जो भी पार्टी शराब की लॉटरी में 50% आरक्षण देंगी, समाज उसका समर्थन करेगा। चंपालाल मेवाड़ा ने समाज संगठन की एकता बनाने और समाज उत्थान पर जोर देते हुए कहा कि अलग अलग संगठन बनाकर समाज में आपसी बिखराव की स्थिति पैदा नहीं कर हम सभी मिलजुल कर जो संगठन पहले से चल रहा है उसी का सहयोग कर समाज के विकास में भागीदारी बने। प्रचारक नटवर मेवाड़ा ने कहा कि समाज में महिलाओं की बराबर की भागीदारी की है। संगठन की मजबूती के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस संगठन से जोड़ना होगा। समारोह में उपस्थित महिलाओं ने कलाल समाज की महिलाओं पर आधारित अश्लीलता शब्दों से गाए और बजाए जाने वाले गीतों का पुरजोर विरोध किया। महिलाओं ने की रोकथाम के लिए जगह जगह पर हर जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग उठाने पर जोर दिया। उदयपुर तथा आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में परशुराम महादेव दर्शन के लिए समाज के लोग जुटे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश शाह की अध्यक्षता में मान्यवरों का फूलमालाओं के साथ श्रीफल देकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए समाज के युवाओं को और जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में उपस्थित समाज बंधुओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश शाह ने आभार व्यक्त करते हुए सहयोग की अपील की। बैठक में मीडिया प्रभारी दिलीप भाई मेवाड़ा, सोनाई अभिषेक मेवाड़ा, राकेश मेवाड़ा सहित बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।